तो बच्चों, आज है 26 नवंबर। आज हम अपने देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं क्योट ऑफ द डे, हमारा मोटिवेशनल क्योट। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स, यानी कि महान चीज़ें कभी भी आराम वाली जगह से नहीं आती। तो आज से ये समझ लेना है, जिस चीज़ में आपको आराम मिल रहा है, जिस चीज़ में आपको कंफर्ट लग रहा है, वो चीज़ आपको कोई महान चीज़ देने वाली नहीं है। तो इसी के साथ हम अपने आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे देखेंगे। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस, यानी कि अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो प्रतिनिधित्व किया है, ये किया है एस जयशंकर जी ने। तो आपको पता होना चाहिए एस जयशंकर जी जो हमारे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को किसमें? अफगानिस्तान 2020 कॉन्फ्रेंस में। इसी के साथ चलेंगे हमारे फर्स्ट करंट अफेयर पे, जो है ये। ऑन विच डे एवरी ईयर गुरु तेग बहादुर मार्टियरडोम डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि हर साल गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 नवंबर को। तो आपको याद रखना है 24 नवंबर को हम हर साल गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाते हैं। इसी के साथ हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स, यानी कि किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो किस फिल्म को चुना गया है? ये चुना गया है जली कट्टू को। तो आपको याद रखना है जली कट्टू जो एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है, उसको ऑस्कर के लिए चुना गया है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच प्राइवेट बैंक हैज़ बीन मर्ज्ड विद सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, यानी कि किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है? तो किस बैंक का मर्ज हुआ है? यह हुआ है लक्ष्मी विलास बैंक का। तो आपको याद रखना है लक्ष्मी विलास बैंक का मर्ज हुआ है किसके साथ? सिंगापुर के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ। तो इसी के साथ हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द बिहार असेंबली स्पीकर, यानी कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है विजय कुमार सिन्हा जी को। तो विजय कुमार सिन्हा जी बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इसी के साथ हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, विच कंट्री लॉन्च्ड द हिस्टोरिक चांग E5 मिशन टू सैंपल फ्रॉम द मून, यानी कि किस देश ने चंद्रमा से नमूना लाने के लिए ऐतिहासिक चांग E5 मिशन शुरू किया? आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था कि चाइना लूनर रॉक्स के सैंपल के लिए कोई मिशन स्टार्ट करने वाला है। मिशन का नाम इसने दिया चांग E5 मिशन। चांग E5 मिशन किसने स्टार्ट किया? चाइना ने। तो आपको याद रखना है हिस्टोरिक चांग E5 मिशन किस चीज़ के लिए? सैंपल्स फ्रॉम मून। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबल पीस प्राइज 2021, यानी कि किस देश के प्रधानमंत्री को नोबल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं इसराइल के। तो आपको याद रखना है इसराइल के प्रधानमंत्री को नोबल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है, यानी कि नॉमिनेट किया गया है। तो हमारा सेवंथ क्वेश्चन, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कब मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे? कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। तो आपको याद रखना है 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस मनाते हैं। कब? 26 नवंबर। एट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन नियुक्त किए गए हैं इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ ICC? ये हैं ग्रेग बार्कले। तो आपको याद रखना है ग्रेग बार्कले
has been appointed as the new independent chairman of the ICC. पता होना चाहिए आपको ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आपको कमेंट में आंसर लिखना है. ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज सेलिब्रेटेड, यानी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं ये आपको बताना है कमेंट करके. और कल मिलेंगे हमारे न्यू करंट अफेयर्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, वंदे मातरम.